हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द धीराज क्लासेस। स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की क्लास में जो हम अपना टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका ईवीएस का टॉपिक, कल्चरल रेनेसेंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। गाइस, आपके ईवीएस के सिलेबस में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, कल्चरल रेनेसेंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको डेट्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सिर्फ 3 टॉपिक हैं हिस्ट्री के। और कल्चरल रेनेसेंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ही टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या था, 18वीं शताब्दी के लास्ट में या कह लीजिए 19वीं शताब्दी के शुरू में, अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो पूरी तरीके से इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुके थे और कह लीजिए कि हम पॉलिटिकली पूरी तरह से हार चुके थे। अब हमारे हारने की बारी कहाँ पे थी, अब हमें वो धार्मिक रूप से हरा रहे थे, हमारी जो संस्कृति थी उसको वो टक्कर दे रहे थे। कैसे, क्योंकि भारत में ईसाई मिशनरी भी आना शुरू हो गए थे, उससे पहले भी आ रहे थे। तो ये लोग क्या है, भारत के जो हिंदू लोग थे उनका धार्मिक रूपांतरण करा रहे थे ईसाई धर्म में, उनको ये बहुत फेवर किया करते थे। बहुत सारे ऐसे जो टैक्सेस थे उसमें इनको छूट दे दी जाती थी। तो कह लीजिए कि जो हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी ना, उनका ये लोग जम के विरोध कर रहे थे, और थी भी। तो उस समय कुछ ऐसे लोग आगे आए जिन्होंने कल्चरल रेनेसेंस का काम किया। अब इसका मतलब क्या है, कल्चरल रेनेसेंस का मतलब होता है पुनः जागना, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, एक दोबारा से लोगों को जगाने का काम किया। तो ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए। तो इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय हुम वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश्ड इन द ईयर 1829। 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया था, तो ये किसने किया था, उस समय आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, यह आपको बताना है। सो हेयर आर द ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर पहले आपको बताता हूं, वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, एक एक्ट पास किया था इन्होंने, सती रेगुलेशन एक्ट। और ये कब पास किया था इन्होंने, 1829 में। इसके बाद इसे इल्लीगल घोषित कर दिया गया। अब सती प्रथा होती क्या थी, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो ये भी जान लो, और इसके बाद आपको मैं इसे मुगल काल से बताऊंगा जोड़ के। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसकी जो पत्नी होती थी उसे भी चिता पर लिटा दिया जाता था। देखिए होता क्या था, जो मुगल काल थे उसमें अकबर ने भी कोशिश की थी इस प्रथा पर रोक लगाने की, लेकिन होता क्या था कि जो पत्नी होती थी ना, वो अपनी पति की चिता पर खुद भी लेट जाती थी, और कुछ लोग उसे बाय फोर्स भी ऐसा करने पर मजबूर करते थे। तो अकबर ने कहा कि भाई आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे, तो पूरी तरह से उसने रोक नहीं लगाई थी। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक एक्ट पास किया और इसके ऊपर रोक लगाई। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। लगभग ये 1828 में भारत आए और 1835 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे, और ये भारतीय लोगों के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। और इनका ये प्रयास था कि अगर ब्रिटिशर्स को लंबे समय तक अगर इंडिया में राज करना है ना, तो इन्हें इंडियंस की ज़रूरतों को समझना भी होगा। इसीलिए इन्होंने 1835 में कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना की। और आपने मैकाले के बारे में सुना होगा, मैकाले का जो पत्र था उसकी सिफारिश इन्होंने ही की थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, सती प्रथा आप यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र में क्या थी। द बंगाल सती रेगुलेशन वॉज पास्ड ऑन December 4, 1829 बाय देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। थ्रो दिस लॉ द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के नाम से ही जानते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो सती रेगुलेशन पास करके इसके ऊपर रोक लगा दी गई। एंड इन द रेगुलेशन द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज टोल्ड अगेंस्ट द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट बताया गया इस सती प्रथा को। समझ गए आप, चलिए समझ गए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
गाइज एक चीज़ और, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं आप मुझे अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम एक तो आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे, साथ के साथ हम आपको एक लिंक फॉरवर्ड करेंगे जिससे आप हमारे जो हमारा एक डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप कह लीजिए या फिर एक कम्युनिटी ग्रुप है हमारा अधिराज कम्युनिटी के नाम से, उसमें बच्चे तमाम तरह की अपने जो क्वेश्चंस होते हैं या अपने डाउट्स होते हैं उनको पोस्ट करते हैं और आपस में एक बहुत ही अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है एक दूसरे की हेल्प करने का। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हियर आर द ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, केशव चंद्र सेन ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपके स्वामी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में बता देते हैं, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड ऑन 1 मई 1897, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, और ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, सुप्रीम डिसिपल थे। जब रामकृष्ण परमहंस अपने अंतिम दिनों में थे, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, तब बहुत सेवा की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेल्लूर में है, नियर कोलकाता। और एक चीज़ और, इन्होंने कर्मयोग माना है, किसको माना है? दूसरे की सेवा करने को। रामकृष्ण मिशन कंसीडर सर्विस एंड चैरिटी टू अदर्स एज कर्मयोग, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म। और आपको स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो धर्म सम्मेलन में इनके द्वारा दिए गए भाषण के बारे में तो पता ही होगा, ये उसी से बहुत फेमस हुए थे। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट इज आर्य समाज अगेंस्ट, आर्य समाज किसके विरुद्ध है ये आपको बताना है। हियर आर द ऑप्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजियस रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप, हिंदुत्व या फिर इस्लाम। तो देखिए आर्य समाज की हम बात कर रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेदों में पूर्ण रूप से विश्वास रखते थे, और आपको पता होगा इन्होंने वेदों का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी कराया था। बेटा एक बात और बताता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना धारा प्रवाह, बिल्कुल फ्लो में संस्कृत बोला करते थे। और पता है जब पहली जनगणना हुई तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आप हिंदू ना बोलें अपने आप को, आप बोलें आपको कि आप सनातन धर्मी हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो विचारधारा थी उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए, जिसमें आपका फेमस नाम आता है लाला लाजपत राय जी का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जिनका हम 5 सितंबर को जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करता हूँ तो वो है आपका रिलीजियस रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। आर्य समाज जो विरुद्ध है वो धार्मिक अनुष्ठान के और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, और भी बहुत सारी चीज़ों के विरुद्ध है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अवतारवाद का जिसे कहते हैं ना, ये तो ईश्वर का अवतार है, उसका भी विरोध करते हैं, बलि का विरोध करते हैं, झूठे कर्मकांड का भी विरोध करते हैं बच्चे, ये अंधविश्वास को ये अस्वीकार करते हैं। तो एक तरह का ये हिंदू सुधार आंदोलन था, हिंदू धर्म में जितनी बुराइयां थीं उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसे कहते थे कि ये तो कृष्ण का अवतार है, ये किसी और का अवतार है, तो इस तरह की चीज़ों का उन्होंने विरोध किया और हिंदू धर्म में सुधार के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। और इसकी स्थापना कब की थी? 1875 में इन्होंने की थी। छुआछूत का, जाति भेदभाव का इन्होंने विरोध किया, और जो स्त्रियां व शूद्र थे उनको यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत आप कह सकते हैं जो जनेऊ होता है ना, वो धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार भी इन्होंने दिया था। पहले सिर्फ ब्राह्मण ही जनेऊ धारण करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई भी धारण कर सकता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इसे आप इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो मैंने पीछे डिस्कस की ये यहाँ पर इंग्लिश में है, तो बाइलिंगुअल हम चल रहे हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। गाइज जो भी आपकी क्लासेस होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी क्लास अच्छे से अच्छी क्लास हो, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताया करो। ठीक है, कहीं पर कुछ कमी होंगी तो हम अपने इम्प्रूव करेंगे, तो आपका फीडबैक हमें बहुत अच्छा लगता है, तो बेटा फीडबैक ज़रूर दिया करो। ठीक है जी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, द फाउंडर ऑफ धर्म सभा 1829 टू 30 वॉज,
धर्म सभा 1829 और 30 के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हेयर आर द ऑप्शन, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती जी। तो बेटा धर्म सभा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। धर्म सभा एक ऐसी सभा थी, उस समय बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स की हमने बात की ना, जो हिंदू धर्म में सुधार के लिए कार्य कर रहे थे, एक इसके अगेंस्ट में जिसने काम किया था ना, जो कह रहे थे कि ये सारे सुधार गलत हैं, वो थी आपकी धर्म सभा। और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे आपके राधाकांत देव। इन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म की जितनी भी आप ये इसका विरोध कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं भाई, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, ख़त्म कर दिया उसे, तो इसका भी विरोध कर रहे थे। 1856 में जब विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए प्रयास किया और इसके लिए जब लॉ बनाना, तो इसके अगेंस्ट भी धर्म सभा ने क्या करा था, जितने हस्ताक्षर इसके लिए हुए थे ना कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, उससे 4 गुना ज़्यादा ये हस्ताक्षर करवा के लेके आई थी धर्म सभा कि ऐसा नहीं, विधवा का कोई पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, वो जैसी है वैसे ही रहे, सफ़ेद कपड़े पहनती है वैसे ही पहन के रहे। तो आप कह सकते हैं बच्चे कि जो सोशल रिफॉर्मर्स के जो अगेंस्ट थी वो थी ये धर्म सभा, और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे आपके राधाकांत देव जी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। धर्म सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1830 इन कलकत्ता बाय राधाकांत देव, ये चीज मैंने आपको बता दी है। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश मेनली टू काउंटर द ऑनगोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लेड बाय प्रोटोगोनिस्ट सच एज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय उस समय काफ़ी सोशल रिफॉर्म चला रहे थे, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की, तो उसके अगेंस्ट में जो थे वो थी ये धर्म सभा। और ये जो एसोसिएशन था, ये जो धर्म सभा थी, इसका मेन फोकस क्या था? इट वॉज टू रिपेल द लॉ विच वॉज सीन एज द इंस्ट्रूजन बाय द ब्रिटिश इन टू द रिलीजियस अफेयर ऑफ द इंडिजिनियस पीपल बाय द सेम सेक्शन ऑफ हिंदू कम्युनिटी। ये लोग क्या सोच रहे थे कि ये हिंदू धर्म के मामले में घुसपैठ कर रहे हैं, कौन? अंग्रेज लोग। तो राजा राम मोहन राय जी प्रयास कर रहे थे, अंग्रेज लोगों ने उसका समर्थन किया, तो इस धर्म सभा ने क्या कहा कि ये हिंदू धर्म के स्वदेशी लोगों के मामले में घुसपैठ कर रहे हैं, उसमें दखल दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी इनकी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? वो था आपका नरेंद्रनाथ दत्त। सभी को पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नरेंद्रनाथ दत्त वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आप बताइए, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था आपका इसी महीने हुआ था, 11 सितंबर 1893। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? वो की थी आपकी 1897 में। इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है आपका बेल्लूर कोलकाता में, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ गई है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। और इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, दास नहीं है। और इनकी जो फेमस स्पीच है वो इन्होंने कब दी थी? 11 सितंबर 1893 में। और जब इन्होंने अमेरिका के लोगों को कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो लगभग 5 मिनट तक तो तालियां बजती रही थी। और ये पहली बार ऐसा मौका था जब आपकी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनका वेस्टर्न कंट्रीज से मुकाबला हो रहा था, या फिर एक धर्म सम्मेलन हो रहा था। इससे पहले पता है वेस्टर्न कंट्रीज क्या सोचती थी, जो पाश्चात्य देश थे वो क्या सोचते थे हमारे बारे में? वो सोचते थे कि भारत तो सिर्फ और सिर्फ एक सपेरों का देश है, जहाँ पर लोग नागों को नचाते हैं। लेकिन इनकी स्पीच को सुनने के बाद लोगों की छवि बदली, लोगों की जो सोच थी वो इंडिया को लेकर चेंज हुई। ठीक है जी, चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम, बैक टू वेदास, हु गेव दिस स्लोगन। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? हेयर आर द ऑप्शन, राजा राम मोहन राय जी, दयानंद सरस्वती जी ने, विवेकानंद जी ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और अभी मैंने आपको बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेदों में पूर्ण रूप से विश्वास रखते थे, और वो कहते थे कि इसके जैसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि वेदों में उनकी पूर्ण निष्ठा थी, इसीलिए उन्होंने इन वेदों का ना अनुवाद भी कराया कि लोग इन वेदों को पढ़ें, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन भारत में आ चुकी थी, और जो भी ईसाई भारत में आ रहे थे उनको साइंस के बेस पर, वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने चुनौती दी थी कि भाई ये चीज़ें आपकी गलत हैं।
आप हिंदू धर्म में कमियां ढूंढते हैं, आप अपने धर्म में देखिए बहुत कमियां हैं। और दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की, वो आर्य समाज की स्थापना की, और कब की, 1875 में। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या पूछ रहे हैं, हु एस्टैब्लिश्ड द मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लोकेटेड इन अलीगढ़। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आप अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इसका जो अभी करंट नेम है ना, वो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले क्या था, वो था आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, सैयद अहमद खान जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो देखिए, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपके सैयद अहमद खान जी ने। कब की थी, ये की थी आपके 1875 में सैयद अहमद खान जी ने, लेकिन 1920 में इसका नाम चेंज कर दिया, वो क्या करा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर आप कह लीजिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी ना, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर हुई थी, कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसा एक यहाँ पर भी कॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इस इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश में आप दोनों में पढ़ सकते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कब इस्टेब्लिश किया था, इसको किया था 1875 में, बाद में इसका नाम क्या रखा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज ऑन द लाइन्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश में आप दोनों में पढ़ सकते हैं, और साथ के साथ आप जहाँ पर भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर भी आप इन्हें लिख लीजिए। आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट्थ क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं, व्हेन एंड वेयर डिड द थियोसोफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश इट्स हेड ऑफिस। जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उसने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। तो ऑप्शन है आपके, 1882 अडयार में, 1885 बेल्लूर में, 1890 में अवाड़ी में, और 1895 में वेल्लोर में। तो देखिए, ये जितने भी सारे नाम है ना, आपको पता है जो मेरी पहली पोस्टिंग आई थी वो चेन्नई में आई थी, तो ये सारे नाम से मैं परिचित हूँ। और मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, या कह लीजिए अभी मैम हैं, और उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो आवड़ी में ही हुआ है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन की बात मैं फिलहाल कर लेता हूँ। थियोसोफिकल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना किसने की थी, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके एस्टैब्लिश किसने किया था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो पहले अमेरिका में था। ठीक है, और अमेरिका से ये फिर आया मुंबई, कहाँ पर आया, मुंबई में आया, और उसके बाद में कहाँ आया, जो परमानेंट इसको शिफ्ट किया गया भारत में, वो किया गया था आपका 1882 में अडयार में, जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो आपने थियोसोफिकल सोसाइटी में एक बहुत ही फेमस नेम सुना होगा, एनी बेसेंट जी का। ये 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी, किसकी, थियोसोफिकल सोसाइटी की। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो आपके रंग, जो कलर बायसनेस होती है, उसका विरोध करती है, कास्टिज्म का विरोध करती है, और वर्ल्ड ब्रदरहुड की जो भावना है उसको एनकरेज करती है। देखिए आपको बता देते हैं, 1875 में इसकी स्थापना किसने की थी, मैडम एच बलावत्सी की ने, और कर्नल एच एस एलकॉट ने। ठीक है जी, कहाँ पे की थी, वो यूएस में की थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया 1879 में, और उसके बाद इसको अडयार में शिफ्ट किया गया चेन्नई में 1882 में। एनी बेसेंट जी के नाम के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो आपका BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हालांकि बहुत सारे नाम थे, एनी बेसेंट जी का नाम भी उसमें था। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हियर आर द ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर जी, दयानंद सरस्वती जी, जयदेव जी, या फिर कालिदास जी। तो बेटा सत्यार्थ प्रकाश बुक के जो राइटर हैं वो हैं आपके दयानंद सरस्वती जी। अच्छा, इनका ओरिजिनल नाम अगर कोई पूछ ले तो वो क्या है, वो है इनका मूल शंकर। मूल शंकर नाम जो है इनका ओरिजिनल नेम था। और सत्यार्थ प्रकाश की जो इन्होंने रचना की थी वो आर्य समाज के जो भी विचार हैं उनके प्रसार के लिए की थी, और
इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के विरोध करने के लिए या फिर इनकी जो विचारधारा है उसके प्रसार का खंडन करने के लिए इन्होंने इसकी रचना की थी। सत्यार्थ का मतलब उन्होंने बताया था सत्य के अर्थ पर प्रकाश डालना, और बहुत सारी जगहों पर सत्यार्थ प्रकाश बुक को बैन भी किया गया था क्योंकि ये काफ़ी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट रहेगा, ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। मोनोथिज्म एक ईश्वरवाद पे, पॉलिथिज्म बहुदेववाद पे, एथिज्म अनीश्वरवाद पे, या फिर मोनिज्म अद्वैतवाद पे। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सन 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने। और ब्रह्म समाज किस चीज़ में विश्वास रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता है। ये मानता है कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है, और ये बेटा मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते थे, अवतारवाद का विरोध करते थे। और राजा राम मोहन राय जी, जिन्हें आप जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का जनक आप किसे कहते हैं, वो कहते हैं आप राजा राम मोहन राय जी को। और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, मैकाले से पहले ही इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। और इनके प्रयास से किस प्रथा को बंद किया गया, वो थी आपकी सती प्रथा। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूँ, सती प्रथा पर इन्होंने क्यों काम किया। देखिए हुआ क्या था, ये एक बार विदेश गए हुए थे, तो इसी बीच उनके भाई की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो पत्नी थी यानी इनकी भाभी जो थी, उन्हें भी चिता पर लिटाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो जब ये वापस लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने ये ठान लिया कि ये इस प्रथा का पूरी तरह से विरोध करेंगे और इसे बंद करवा कर ही मानेंगे, इसे इल्लीगल घोषित करवा कर ही रहेंगे। तो इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर बहुत प्रेशर भी बनाया। ठीक है जी, तो बेटा ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक के लिए हमें ज़रूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।